नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कंचनपुर गांव में झारखंड का लोकप्रिय त्योहार कर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, ये त्योहार बहन अपने भाई के लिए खास तौर पर मनाती है और इसी के साथ इस पूजा में कई लोग भाग भी लेते हैं। देखिए, कंचनपुर गांव में झारखंड का लोकप्रिय त्योहार कर्मा पूजा धूमधाम से मनाया गया। इस पूजा में बहन अपने भाई के लिए ये खास त्योहार मनाती है और बड़े ही संख्या में इस पूजा में भाग भी लेती है। हर साल ये पूजा हमारे झारखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कर्मा पूजा पर्व आदिवासी समाज का प्रचलित लोक पर्व है। इस त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्मा नृत्य कहते हैं। ये पर्व हिंदू पंचांग के भादो मास की एकादशी को झारखंड छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात कर्म वृक्ष का या उसके शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं और दूसरे दिन कुल देवी देवता को नवान देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। मैं धीरज कुमार, झारखंड जिला हजारीबाग से, यहाँ से कर्मा पूजा के बारे में कुछ यहाँ आया हुआ मैं, और यहाँ के जो लड़कियाँ हैं वो कर्मा पूजा करती है, तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी ले लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये कर्मा पूजा जो है क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में चलिए यहाँ पूछते हैं यहाँ के लड़कियों से कि क्या क्या है और क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्वाति कुमारी जी, जिनसे मैं पूछता हूँ ये क्यों मनाया जाता है। तो स्वाति जी बताइए, ये कर्मा पूजा है क्यों मनाया जाता है। कर्मा पूजा हम अपनी भाइयों के लिए करते हैं, उनकी उम्र के लिए ये पूजा हम लोग करते हैं। और ये भादो के महीने के एकादशी के दिन पड़ता है और हमारे जो किसान हैं, हमारे जो फसल है, हमारी जो प्रकृति है, इसके लिए भी ये पूजा हम लोग करते हैं। और इस पूजा में आप लोग सुने हैं कि 24 घंटे के लिए आप लोग इसमें व्रत रखते हैं, वो व्रत क्यों रखते हैं इसके बारे में भी जरा कुछ बता दीजिए। ये व्रत हम अपने प्यारे भाई के लिए करते हैं, 24 घंटा का व्रत करते हैं। इसके एक दिन पहले से हम नहाई खाई का एक नियम होता है वो करते हैं। अगले दिन फिर हम 24 घंटे का उपवास करते हैं। हमारे भाई लोग जंगल जाते हैं, वहाँ से कर्मा की दाल को लेकर आते हैं, हम काटते हैं। भाई बहन सब लोग रहते हैं, मिलकर सब करते हैं और उसमें और क्या क्या करते हैं इसमें, जैसे और कुछ इसमें क्या क्या किया जाता है, जैसे पूजा कैसे करते हैं आप लोग और इसमें क्या बहुत सी इसमें किया हुआ है होती है आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो और क्या क्या चीज़ का कंगन बुनते हैं, काशी का कंगन बुनते हैं, उसको पहनाते हैं, चढ़ाते हैं, माला नदी से लाते हैं, कर्मा पूजा करते हैं, नदी में फिर बहाते हैं। तो आज आज इसका विसर्जन होगा ना। हाँ, आज शाम के नदी में उसको बहाते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि शाम में ये विसर्जन किया जाएगा, नदी जो है आसपास के यहाँ पे नहर है वहाँ पे ये विसर्जन किया जाएगा। और हम ये इनसे जानते हैं जरा से और कुछ डिटेल्स में कि क्या है, तो आप जरा कुछ बताइए इसके बारे में, आपका नाम क्या हुआ। तो अंजलि जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में बताइए। इसमें कर्मा पूजा में मिट्टी को प्रेरण रखने के लिए भी किया जाता है। और कर्मा पूजा में हम लोग भाई लोग जंगलों में जाकर लगते हैं, कर्मा का डाल चलाते हैं और अपने गांवों को पूजा करते हैं और घूमते हैं और विसर्जित भी किया जाता है। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है, और हमारे बहुत महिलाएं यहाँ पे है और रात में पूजा किया गया। रात में पूजा होने के बाद यहाँ पे कई तरह का प्रोग्राम यहाँ पे चला है, नाच गान हुआ है और जो झारखंड की सांस्कृतिक नृत्य है उस सांस्कृतिक नृत्य को भी किया गया है। तो मैं धीरज कुमार, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हजारीबाग, HBN न्यूज़।